हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क ने अपना अब रेस्टोरेंट भी लॉन्च कर दिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाई ने अपना चेन मॉल भी लॉन्च किया था और पाई ने अपना मतलब मेडिकल स्टोर जो है वो भी लॉन्च किया था। अब पाई नेटवर्क ने अपना होटल रेस्टोरेंट को लॉन्च कर दिया है, जहाँ से आप मतलब कोई नहीं देंगे एज अ पेमेंट, वहां से खाना खा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना। तो ये तो पहले भी मतलब अपडेट मैंने आपको दी थी कि पाई चेन माल जो है वो लॉन्च हो चुका है, जहां से आप जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें वहां से परचेज कर सकते हैं। सो पाई चेन माल का मैंने आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि वहां पे हर चीज आपको मिल जाती है चंद ही पाई में। तकरीबन मेरे दिन में देख रहा था आईफोन 30 Pro Max 100 पाई में आपको मिल रहा था, उसमें बुलेट एक मोटरसाइकिल थी जो कि 95 पाई की आपको मिल रही थी। तो दोस्तों इस तरह आप मेडिकल स्टोर भी पाई नेटवर्क ने लॉन्च किया था, वहां से आप जो मेडिसिन है वो भी परचेज कर सकते थे पाई क्वीन के हवाले से, पाई क्वीन देख के। तो अभी यहाँ पे ये न्यूज निकल के आ रही है कि पाई ने अपना रेस्टोरेंट भी लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर, रुड़की के हरिद्वार रोड के ऊपर दिल्ली में। तो ये भी अपडेट आ चुकी है। और इसके अलावा चाइना की बात करो, मैं चाइना में लोग गाड़ी भी ले रहे हैं पाई नेटवर्क को एक्सचेंज करके, पाई नेटवर्क अगले को दे के वो वहां से गाड़ी भी ले रहे हैं। वहां से मैं ये भी देख रहा था, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ, BMW मोटरसाइकिल भी एक बंदे ने ली है, BMW मोटरसाइकिल लिया उसने कितना 2666 पाई में, 2666 पाई अगले को उसने दिए हैं, वहां से उसने BMW मोटरसाइकिल खरीदी है। तो मतलब चाइना के अंदर लोग पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, जरूरियात जिंदगी के जो भी काम है वो पाई के क्वीन से ले रहे हैं। वहां पे चाइना में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में पाई नेटवर्क के जो क्वीन है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, इंडिया में ये हो चुका है, इंडिया में हो चुका है, लेकिन ये रेस्टोरेंट के हवाले से रेस्टोरेंट बन चुका है, बाकी इसका कोई और मतलब इसकी कोई ब्रांच नहीं बनी, किसी और चीज में आप अपने जो कोइन है वो नहीं दे सकते। सो अभी पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह कमिंग सून है ये कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, या रेस्टोरेंट या इनका पाई चेन माल लॉन्च होगा जहां से आप अपनी परचेजें करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाई जो आपके हैं वो तब तक आप मतलब उससे आप कोई चीज नहीं ले सकते जब तक आपकी KYC नहीं होती। हर बंदे की जब KYC हो जाएगी पाकिस्तान में या इंडिया में, तब जाके उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेगा, वो ऑनलाइन कोई चीज खरीद सकेगा, वो खाना खा सकेगा रेस्टोरेंट से, या वो कोई अपनी मतलब मेडिसिन वगैरह है तो वो ले सकेगा। जब तक मेन बात है आपकी KYC के ऊपर, जब तक आपकी KYC नहीं होगी तब तक आप मतलब आपके जो कॉइन है वो आपके फजूल है। जो ही आपकी KYC होगी आपके जो कॉइन है वो माइग्रेट ऑप्शन में आपके वैलेट में आ जाएंगे, तो वहां से इनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप ट्रांसफर अपने कॉइन को कर लेंगे तो आपको मतलब आप जो चीज लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिलहाल ये मसला आ रहा है KYC के ऊपर, जब तक किसी की KYC नहीं हो सकती, KYC नहीं हो जाती, तब तक आपके आपके जो कॉइन है वो बेकार पड़े हैं आपके कॉइन में वैलेट में। होप सो दोस्तों आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह आपके लिए लेटेस्ट अपडेट पाई नेटवर्क के हवाले से यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।